आपने प्रैक्टिकली एक फील्ड में प्रोफेशनली किस तरह बिहेव करना है, मतलब बिहेवियरल स्किल्स होगी, इंटरपर्सनल स्किल्स होगी, उसके अलावा निगोशिएशन स्किल्स होगी, इस तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो जो आपको ना दूसरे इंस्टीट्यूट से, जो हमें दूसरे इंस्टीट्यूट से डिस्टिंक्ट प्रूव करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको स्किल आप लोगों ने सीख ली है, उसके बाद आपको उसको सेल करना भी तो आता होना चाहिए ना। आप लोगों के पास स्किल आ गया, यू डोंट नो कि हाउ टू सेल इट। और यूजुअली ये होता है कि बच्चे ना हमें कोर्स के एंड होने पर आके हमसे पूछ रहे होते हैं कि सर स्कोप किस चीज़ का है, तो इसका आंसर मैं तो देता होता हूँ कि भाई स्कोप किसी भी चीज़ का नहीं है। फिर वो हैरान से हो जाते हैं कि सर कैसे स्कोप किस चीज़ का नहीं है, फिर हमारा कोर्स ज़ाया हो गया। तो उसका आंसर ये होता है कि भाई स्कोप आपका है, आप किस तरह चीज़ों को लेके चलते हो, आप किस तरह दूसरों से डिफरेंट होते हो, इसी चीज़ का स्कोप है। अब हमारा इंस्टीट्यूट ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह 16 बैचेज हो चुके हैं, एंड 16 इज़ नॉट जस्ट अ नंबर कि आप लोग 16 बैच है 17, 18, 19, ऐसा सिर्फ नंबर नहीं है। हमें 2 साल हो चुके हैं एग्जैक्टली, आज मतलब सेकेंड एनिवर्सरी है हमारी। तो हम यहाँ तक आए हैं ना, तो हमें बहुत टाइम लगा मैच्योर होने में भी, और द रीज़न यू गाइज आर हियर वो ये है कि हम ऑलरेडी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैं, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे हैं। इंटरेक्ट करना है, हम कंपटीशन करवा रहे होते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ करवाए जा रहे होते हैं, जिसके अंदर ये होता है कि हम स्टूडेंट्स से पूछते हैं, स्टूडेंट्स के साथ ना मॉक इंटरव्यू करवाए जाते हैं, जिस तरह एक प्रॉपर कंपनी में, एक IT कंपनी के अंदर इंटरव्यू कंडक्ट होता है ना, इसी तरह हमारा पैनल बैठता है। हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप CV लेके आएँ अपनी, मतलब प्रैक्टिस इंटरव्यूज जिसको बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप अपनी CV लेके आएँ, आप हमें आके एज अ कैंडिडेट प्रेजेंट करें अपनी CV, और हम आपसे क्वेश्चंस करेंगे, देन उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। फिर वो उनको ना पता चल रहा होता है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं सर ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ये तो हमें आज पता चला, एंड देन वो उसके ऊपर जब तैयारी करके आगे जाते हैं, तो माशाल्लाह मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट अ रियली हाई जॉब सक्सेस रेट अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अपनी तरफ से तो 100% दे रहे होते हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो एफर्ट है ना वो रिक्वायर होगी। सही है, सिर्फ ये नहीं होगा कि हम एक तरफ से अपनी तरफ से 100% देते रहें और आप लोग कहें कि अब जस्ट हमें पूरा ही कैरी किया जाए, तो इस तरह नहीं होगा। आप लोगों को साथ साथ चलना पड़ेगा और साथ एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। बस बी अवेक, जागते रहें, जिंदा रहें, आप लोग सारा कुछ कर लोगे। बस इंस्ट्रक्टर से कोई इशू आ रहा है, इंस्ट्रक्टर के असिस्टेंट से कोई इशू आ रहा है, इन्वायरमेंट से कोई इशू है, कोई भी किसी भी टाइप का इशू होता है, आप लोगों ने हमें एड्रेस करना है। लेकिन आप लोग अगर इस तरह खामोश रहेंगे ना, तो इसमें आपका भी नुकसान है, हमारा भी, मतलब हमारे जो डायनेमिक वो इन्वायरमेंट है ना वो स्टॉप हो जाएगा, हमारी जो ग्रोथ है। तो एक ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोगों ने अपने लिए भी एक चीज़ अच्छी करनी है कि एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करें, अपने कनेक्शंस बनाएं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जस्ट कनेक्शंस की बेस पे ना वो बहुत आगे निकल जाते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन लगाते हैं, फिर एक दूसरे को जानने लग जाते हैं, एंड देन वहाँ पर पता चलता है कि फलां बंदा इस फील्ड में, उसकी एक्सपर्टीज है, इस फील्ड में माहिर है। तो फिर भी अगर उसके बीच में कहीं पे भी कोई इशू आता है, तो आप लोगों ने उसका जो 15 डेज के बाद हम लोग फीडबैक लेते हैं, उसके अंदर आप लोगों ने मेंशन करना है, ताकि हम ऑन द स्पॉट आपको इशू जो है वो रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अगर आपने इंस्ट्रक्टर को नहीं बताना कोई इस तरह का इशू है, तो खावर है यहाँ पे, वो लीडर है, इसको खावर को बताएं, खावर जो है आपका इशू रिजॉल्व करेगा। आयशा बैठी होती है सारा टाइम, आयशा अपने ऑफिस में होती है, आप आयशा को बताओ, आयशा फौरन आपका इशू रिजॉल्व कर देगी। जब आप लोगों ने जब कोर्स सेलेक्ट किया है, तो सबने अपनी कोर्स ऑफलाइन वगैरह देखी है? नहीं देखी किसी ने, मुझे लगता है। अभी अगर किसी ने कोर्स ऑफलाइन नहीं भी देखी ना, तो वो घर जाके ना कोर्स ऑफलाइन देखें, उसमें क्या कि आपको डिटेल में पता लगेगा कि आप ड्यूरिंग ये जो कोर्स कर रहे हो आपको सीखने को क्या मिलेगा। इवन अगर उसके अंदर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप लोग खुद से ऐड करवाना चाहते हो, या आप लोगों का है इंटरेस्ट है उसके अंदर, तो आप लोग वो भी इंस्ट्रक्टर को बता सकते हो कि ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है ये भी इसके अंदर ऐड कर लें जो कोर्स ऑफलाइन में नहीं है, या फिर आप उसको डिटेल में देखो। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हफ्ते बाद उनको लगता है कि वो इस फील्ड में नहीं चल सकते। तो बजाय इसके कि आप उसके अंदर हफ्ता दो हफ्ते महीना लगाओ और फिर आपको आइडिया हो कि नहीं यार ये वाली चीज़ जो है वो मेरे लिए नहीं है, तो आप लोग उसको पहले डिटेल में देखो। और अगर आप लोगों ने उसको स्विच करना है फील्ड को, अभी भी जैसे कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो पहले वेब में आते हैं, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि नहीं हमारी जो ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो ऐप वाली साइड पर बन रहा है, और कई हमारे पास आते हैं ग्राफिक के आते हैं, वो शिफ्ट करते हैं, फील्ड स्विच करते हैं अपने, तो आप लोग पहले उसको कोर्स ऑफलाइन को गौर से देखो। अगर अभी भी स्टिल आप लोगों को उसके अंदर कोई कंफ्यूजन लगते हैं, तो आयशा आपको हेल्प आउट करेंगी, इसके लिए आपको गाइड भी कर देंगी आपको।